मसीह में सबको सलाम, सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ का मेज़बान साजा गौरी। नाज़रीन, मैं एक बहुत ही प्यारी बेटी के पास मौजूद हूँ जो कि डॉक्टर बनकर उसने मसीह कौम का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मनाहल सलीम बेटी का नाम है और मैं इस वक्त सेंट पीटर चर्च ऑफ पाकिस्तान जो कोलकाता के अंदर है उसके साथ ही इस बेटी की रिहाइश है और इनके जो वालिद साहब हैं सलीम अनायत साहब वो पास्टर हैं और मदर भी टीचर हैं, वो भी पास्टर हैं और बेटी को बड़ी मेहनत से इन्होंने पढ़ाया और बेटी आज डॉक्टर बन चुकी है और ये हमारे मसीह कौम के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। और जब हमारी नेशनल की टीम को जब पता चला कि हमारी मसीही बेटी मनाहल सलीम इस वक्त डॉक्टर बन चुकी है तो हमने बड़ा खुशी का इजहार किया और हमने कहा क्यों नहीं कि हम इस बेटी के पास जाएं और इससे पूछें कि बचपन से लेके डॉक्टर बनने तक का जो सफ़र है वो कैसे तय किया और माँ बाप ने किस तरह अपनी बेटी को मोटिवेशन करके पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। तो आइए मनाहल से बात करते हैं। जी मनाहल बेटा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? जी मैं ठीक हूँ। मनाहल बेटा, बड़ी बड़ी आपको मुबारकबाद हो नेशनल न्यूज़ की तरफ से भी और मसीह कौम की तरफ से भी कि आज आप डॉक्टर बन चुकी हैं। थैंक यू। तो बेटा, ये कैसे सफ़र आपने तय किया पढ़ाई का, उसके बाद आप स्कूल से यूनिवर्सिटी गईं? मेरी जो जर्नी थी तब से ही स्टार्ट हो गई थी। वन आवर सिक्स ईयर्स ओल्ड मेरे जो लेट ग्रैंडफादर हैं वो अक्सर मुझे डॉक्टर मनाहल कह के बुलाते थे और तब से ही एक बिल्डअप होना शुरू हो गया था माइंड में कि मैंने डॉक्टर बनना है। फिर एलिमेंट्री मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने अपनी कैथेड्रल स्कूल से की, वो मैंने अपने रिसेप्शन से लेके क्लास टेंथ तक जो है कैथेड्रल स्कूल में पढ़ाई की। ठीक है। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट जो था वो गवर्नमेंट कॉलेज से किया और रिसेंटली आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड आई हैव डन डॉक्टरेट। तो बेटा, ये आपने जब यूनिवर्सिटी में जब गई लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर तो किस तरह का माहौल मिला वहाँ पर और आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई भी की और डॉक्टर भी आज बन चुकी हैं, तो कैसे कैसे दोस्त मिले वहाँ पर आपको? माहौल आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ का जो माहौल होता है वो काफ़ी खुला होता है कि मैं जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में लड़कियाँ थी वहाँ पे। ठीक है। तो जाके वहाँ पे थोड़ा होता था कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, किस तरह से मैनेज होगा ये वो, लेकिन फिर मेरे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ्रेंड्स बन गए और एक मेरी फ्रेंड जो मेरे यहाँ से जाती थी, एक अफगानिस्तान से मेरी वहाँ पे फ्रेंड बनी। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सफ़र गुजर गया और पता भी नहीं चला। अच्छा, आपकी क्लास में आप ही क्रिश्चियन थी कि कुछ और भी बच्चे थे? सिर्फ मैं और एक और लड़की थी अलीना, वो क्रिश्चियन थी। हम दो लड़कियां जो थी वो क्रिश्चियन थी। 230 बच्चों की क्लास थी, उनमें से सिर्फ मैं और अलीना क्रिश्चियन। ठीक है। अच्छा, ये जो पढ़ाई का जो सफ़र था, आपके पेरेंट्स ने क्या रोल अदा किया, किस तरह मोटिवेट करते थे आपको? पेरेंट्स ने बचपन से लेके अब तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट की है। ठीक है। मेरी जो बैकबोन है वो मेरे फादर ही हैं। ठीक है। तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और जॉइंट फैमिली में रहकर एक बच्चे को पढ़ाना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हमारी जो फैमिली है वो भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है। और उन्होंने भी, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है और जो मेरे दादाजी थे जैसे उनका कहते हैं ना कि एक ख्वाब था। तो यानी कि आपने अपने दादा ये ख्वाब पूरा किया है। हाँ जी। यूनिवर्सिटी से जब निकली तो आपने इंटर्नशिप कहाँ से की? इंटर्नशिप मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी की थी, UCH में भी की थी और गंगाराम में भी की है। तीनों जगह पे इंटर्नशिप की है। 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, फिर इंटर्नशिप लेटर मिल जाता है। ठीक है। क्योंकि 5 ईयर्स की डिग्री के बाद जो है वो 1 ईयर जो होता है वो इंटर्नशिप का ही होता है। ठीक है। तो आपका इंटर्नशिप कम्प्लीट हो चुका है? जी, अब मैंने कम्प्लीट कर लिया। तो अभी कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया आपने? जी, मैंने जॉब के लिए अभी अप्लाई किया है। ठीक है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो है माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर होते हैं उनके पास कोटा आता है, तो मैंने एक प्रोग्राम किया था, हमारी साबिका मिनिस्टर थी मैडम शीला रूत, उनके साथ मैंने जब प्रोग्राम किया तो मैंने कहा जी हमारे जो आपके जो गवर्नमेंट की तरफ से जो साबिका गवर्नमेंट है PTA की, उनकी तरफ से जब 5% कोटा निकलता है तो उसमें, तो उन्होंने मुझे एक ना बड़ी दुख भरी आवाज़ से उन्हें बताया था कि जी हमें तो अपनी कौम से डॉक्टर भी नहीं मिलते। तो मैं आज उनको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कौम से डॉक्टर निकलने शुरू हो गए हैं। तो बेटा, आगे फर्दन क्या प्लान है आगे पढ़ने का,
कि जॉब करनी है कि आगे पढ़ना है आपने? मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया है, खुदा ने चाहा तो मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने अप्लाई किया हुआ ठीक है। और आगे मैंने मास्टर्स करना है रेडियोलॉजी में और डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में ठीक है। खुदा ने चाहा तो पीएचडी भी करूँगी। अच्छा, मैंने देखा कि एक दो बच्चों से भी मेरी फर्दर मुलाकात हुई थी, तो वो भी यही प्लान बता रहे थे कि अल्ट्रासाउंड में हमने स्पेशलाइजेशन करनी है। तो आपका भी प्लान इसमें क्या फ्यूचर है? अल्ट्रासाउंड में वैसे तो सीटी भी है, रेडियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा मोडलिटीज़ होती हैं, सीटी है, एमआरआई है, एक्सरे है, लेकिन जो ये सारी मोडलिटीज़ हैं इनमें रेडिएशन होती हैं, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं होती, तो इसलिए मुझे मैं अपने जो ज़ाती तौर पर जो है अल्ट्रासाउंड करना है उसको प्रेफर करेंगी। अच्छा, अपनी एजुकेशन के साथ साथ किसी स्पोर्ट्स में भी म्यूज़िक में किसी में इंटरेस्ट था आपका? जी, स्पोर्ट्स में मेरा था, बास्केटबॉल टीम में थी मैं स्कूल में ठीक है। और उसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो सिंगिंग थोड़ी बहुत बस कर लेती हूँ चर्च में, जैसे संडे स्कूल टीचर भी हूँ मैं। अच्छा, और जैसे मैं दुनियावी तालीम तो मैंने काफ़ी ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर तरह से दुनियावी तालीम में आगे रखा है, उस तरह उन्होंने रूहानी तालीम में भी मुझे बहुत ज़्यादा आगे रखा। अच्छा, आजकल देखा जाए तो हमारे रूहानी जो पास साहिबान हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो है ना डॉक्टर का नाम साथ जोड़ देते हैं, तो डिग्री भी उनके पास होगी, तो किस तरह आपको अच्छा लग रहा है कि आप बाकायदा से एक डॉक्टर बनके के सामने जब खड़ी होंगी तो क्या नज़र आएगा आपको, क्या माहौल नज़र आएगा? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरे जो नाम के साथ है वो डॉक्टर लगेगा ठीक है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो एक डॉक्टर का लफ्ज़ जो है, क्योंकि हमारे जो आजकल पास्टर साहबान आ रहे हैं उनकी उम्रें काफ़ी हो जाती हैं, लेकिन डिग्री लेके एजुकेशन की या बाइबल की तो डॉक्टरेट लगा रहे थे साथ, तो इस तरह पीएचडी करने के बाद एक डॉक्टरी डिग्री मिलती है, लेकिन आप मेडिकल लाइन में आगे आ गई, तो एजुकेशन के साथ साथ खाने का भी प्लान है, कुछ खाना बना लेती हैं आप? जी, मुझे कुकिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है। अच्छा, और कुकिंग के अलावा मैं रीडिंग और राइटिंग जो है मुझे उसका भी मेरी हॉबीज़ में जो शामिल है, और रीडिंग में मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो बाइबल का है वो रीड करना पसंद करती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, खाने में क्या ज़्यादा स्पेशल बनाना था आपको? कौरमा, बिरयानी। अच्छा, अच्छा, ज़्यादातर मैं देखा कि पढ़ाकू बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जो है ना घर के कामों में ध्यान ही देती हैं, तो आप वो घर के कामों में ध्यान देती थी मामा के साथ? मैं उनके साथ पूरा पूरा हाथ बटाती थी। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था कि पढ़ाई है और पढ़ाई करनी है, बकाया सब काम भी लड़कियों को आने चाहिए ठीक है, क्योंकि ये काम तो साथ साथ होते हैं ठीक है। तो आगे आने वाले दिनों में आपने कोई प्लान बनाया गया कि पाकिस्तान के अंदर रह के खिदमत करनी है या बाहर जाना है कहीं? जी ज़रूर, पाकिस्तान के अंदर रह के मैं खिदमत करूँगी और अपने कौम का जो है नाम रोशन करूँगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमारे अक्सर ज़्यादातर जो है ना फ्री कैंप लगते हैं डॉक्टर्स के, मेडिकल कैंप क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग लगाते हैं, तो अगर कोई आपको कोई एनजीओ आपकी दावत दे आपको कि आप बेटा हमारे साथ काम करें, तो आप जाना चाहेंगे उनके साथ? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर उनके साथ काम करना चाहूँगी। ठीक है। आगे आने वाले फ्यूचर में आपका क्या फर्दर प्लान है कि आपने अपने जो बाकी की जो ज़िंदगी है प्रोफेशनल तरीके से डॉक्टरी भी करनी है कि या फिर आप CSS के इम्तिहान देकर डिप्टी कमिश्नर भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के काफ़ी बच्चे जो हैं इस टेन्योर में निकले हैं तो वो इस पोस्टों पे आए हैं, तो आपका प्लान है कुछ ऐसा? जी ज़रूर, मेरा ऐसा ही प्लान है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो काफ़ी ऐसी सीट्स हैं जो हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी खाली रह जाती है, खाली रह जाती है, तो मेरा यही प्लान है कि मैं MS भी करूँगी और साथ में CSS के एग्ज़ाम जो है अभी फेब में होंगे ठीक है, उसमें अपीयर होंगी ठीक है जी, तो उसके लिए प्लान आने वाले दिनों में है कि उसकी जो तैयारी शुरू कर दें आप? जी, तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि उसका दिसंबर में एक टेस्ट होता है ठीक है, उस टेस्ट के जो है वो मुताबिक वो बच्चे जो है सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद होती है ठीक है, लोग जो है अप्लाई करते हैं काफ़ी ज़्यादा उसकी तादाद होती है, तो फिर फेब में उसके जो है ना एग्ज़ाम हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन करूँगा कि एजुकेशन के दौरान जब आपकी कोई शादी आ जाती थी
या फैमिली के में कोई इवेंट आ जाता था तो आप इवेंट अटेंड करती हैं कि नहीं, मैंने पढ़ना है बस इवेंट अटेंड नहीं करना? कई दफ़ा इवेंट जो है वो छूट भी जाता था, जब मेरे एग्जाम्स होते थे तब इवेंट छूटता था। ठीक है। और कोई दूर का होता था तो फिर तो मैंने छोड़ ही देना होता था। है। करीबी, बहुत करीबी शादी है तो फिर वो नहीं छोड़ी जाती, लेकिन अगर एग्जाम्स हो तो फिर थोड़ा सा। तो आपकी जो दोस्त वगैरह हैं वो क्या कहती थी कि तुम बड़ी पढ़ाकू होगी, इस तरह के अल्फाज आते थे कि तुम हमें टाइम नहीं देती, मिलती नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपके जो सात दोस्त हैं वो भी इस तरह ही पढ़ी लिखी हैं कि वो मैट्रिक तक ही बस पढ़ी हैं पीछे से आएगी? जी, मेरी जो एक फ्रेंड है जो मेरे साथ यहाँ से जाती थी, ठीक है, और वो मुस्लिम है और वो तो पढ़ी है, और जो मेरे नेबर्स में रहती है उसने बस मैट्रिक ही की थी और उसके बाद उसने अपना सैलून का किया था और अब उसका अपना सैलून है। ठीक है। तो आपके जब कैथीड्रल्स में जब आप पढ़ रही थी तो उस बैच में, मैट्रिक के बैच में, कोई स्टूडेंट जो थे आपके दोस्त वो कुछ आगे निकली हैं कुछ? जी, वो सारे अपनी अपनी जगह पे जो है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में चले गए हैं। ठीक है। और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उससे मेरा अभी भी रिश्ता है, वो तो मेरे साथ ही है, उसने BSN कर लिया, ठीक है, कम्प्लीट किया रिसेंटली उसने BSN। अच्छा, हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बच्चे हैं यूथ के, उनको पैगाम देना चाह रही हैं आप? को पैगाम देना चाहूँगी कि आप, आपको जो भी कोई शौक़ है आप उसको ज़रूर पूरा करें, लेकिन आप अपनी एजुकेशन को बिल्कुल बिना तरक करें, एजुकेशन को बिल्कुल एक साइड पर ना रखें, एजुकेशन लाजमी आप करें, जहाँ जहाँ तक हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपनी कौम का जो है नाम रोशन करें और अपने पेरेंट्स की जो है इज़्ज़त करें, क्योंकि पेरेंट्स जो है आपकी काफ़ी मेहनत करते हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो पेरेंट्स उनके काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है उन पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इन चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, इतनी ज़्यादा मूवीज़ देख लेते हैं, मूवीज़ से अगर दिल भर गया तो फिर वो कॉमिक स्टार्ट कर देते हैं और अपने जो ज़िंदगी के इतने साल है वो ऐसे ही घर में बैठे बैठे वेस्ट कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और अपनी जो कौम है उसका नाम रोशन करें। जिस तरह से अभी मैंने पढ़ लिया है, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं, इस तरह नेशनल न्यूज़ वाले जो हैं वो मेरे घर आए हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, एक तो मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। तो आप भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, इस तरह से तालीम हासिल करेंगे, इस तरह से आपका भी ये लोग इंटरव्यू करने आएंगे नेशनल न्यूज़ वाले, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साजिद साहब का और तारिक प्यारा साहब का कि वो आए हैं और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मनाहल बेटी आपका, और मसीह कौम को आप पर नाज है। नाज़रीन, जिस तरह मनाहल बेटी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, डॉक्टर बन गई, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम लोगों को, मेरी उम्र के जो बच्चे हैं उनको अपना जो टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और ऐसी वीडियोज़ के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारी कौम के इस वक्त के जो नौजवान हैं, बच्चियाँ, बच्चे, वो अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे तो इस तरह ही काबिल बनेंगे और हमारी मसीह कौम का नाम रोशन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मोटिवेशनल प्रोग्राम जो है, आप ज़रूर देखें हमारा प्रोग्राम। जिस तरह मनाहल बेटी ने बताया कि हमारी मसीह कौम के जो बच्चे इस वक्त पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो मेरा ख्याल है कि इधर की बातों को छोड़ कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और जो कौम का नाम है वो रोशन करें, और हमारी कौम को आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है जो कि कौम के लिए एक एजाज़ की बात बने, क्योंकि हमारे जो कौम के बच्चे हैं वो इस वक्त जब इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो दूसरे शोबों में जाएंगे तो हमें फ़ख्र होगा, क्योंकि हम जब भी सरकारी इदारों में जाते हैं तो हमें अपने बच्चे नज़र नहीं आते, अपने कौम के बच्चे नज़र नहीं आते जो आला अहदों पर बैठे हों। जिस तरह डॉक्टर बन गई या बच्ची, और आगे भी मज़ीद हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, तो मैं उन सब बच्चों से ये अपील करूँगा जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और माँ बाप का जो नाम है वो रोशन करें। माँ बाप का नाम रोशन होगा और हमारी किसी कौम का नाम भी रोशन होगा।